नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर टॉक शो और मैं हूं सेजल चंद ठाकुर। एक लीडर बनने से पहले हमारी सफलता ही हमारा विकास होती है, और जब हम लीडर बन जाते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि हम दूसरों को आगे लेकर जाएं। एक ऐसे ही लीडर आज हमारे साथ मौजूद हैं, साइबेरियन सॉफ्टवेयर के डायरेक्टर मिस्टर पुनीत वर्मा। मिस्टर पुनीत, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सेजल, थैंक यू सो मच। मिस्टर पुनीत, 2012 में आपने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की थी और आज करीब 7 साल बाद आपने कई अचीवमेंट हासिल किए हैं और करीब शायद 3 शहरों में आपका बिजनेस अभी स्टैब्लिश हो चुका है। तो आपकी जो ये पूरी जर्नी है, इसके बारे में कुछ आप हमें बताइए। हाँ सजल, जैसा आपने बताया, हमारा 3 शहरों में हिंदुस्तान में, इंडिया में ऑफिस है। एक हमारा ऑफिस है मोहाली में, एक बैंगलोर में है, एक हमारा ऑफिस है हिमाचल में पालमपुर में। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस भी हिमाचल पालमपुर में है, बैंगलोर और मोहाली में हमारा डेवलपमेंट ऑफिस है। तो जर्नी स्टार्टेड विद द ऑफिस इन बैंगलोर मोहाली, देन वी वेंट टू बैंगलोर एंड एज कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन पालमपुर, सो पालमपुर इज आवर फर्स्ट ऑफिस। हमारा जो मेन डेवलपमेंट टीम है वो मोहाली और बैंगलोर में काम करती है, और ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। अप्स एंड डाउन बिजनेस में आते हैं, हमने अप्स एंड डाउन देखे हैं, पर हमने ग्रोथ भी अच्छे से देखी है बिजनेस में। कहां एक कमरे से शुरू करना, अकेले शुरू करना, उसके बाद कंपनी में 50-60 लोगों को साथ में लेके चलना, वो समय भी हमने देखा है। वो समय भी देखा है जब महीने के अंत में ये इंतजार करना पड़ता था कि क्लाइंट्स पैसे दे रहे हैं, उसके बाद रिसोर्सेज की सैलरी को देखना है, फिर उस सिस्टम को ऑटोमेट करना, ताकि उन चिंताओं को नहीं देखना पड़े, वो समय भी हमने देखा है। एक बहुत सुखद जर्नी रही है अब तक, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। वी आर वर्किंग फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री, और अब जो ये हालात हैं COVID-19 की वजह से, इस समय पे शिक्षा प्रणाली को जो सबसे बड़ा आघात ये अभी पहुंच रहा है बच्चों तक, एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, उसमें हम काफी योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाँ जी मिस्टर पुनीत, जैसे कि आपने अभी स्कूल के लिए जो अभी आपने बताया है, तो हाल ही में आपने अभी एक ऐप लॉन्च की है, साइबर स्कूल ऐप है, जो आपकी काफी फेमस हो रही है, जिसे लोग यूज कर रहे हैं, हर स्कूलों में यूज किया जा रहा है। तो इस ऐप के बारे में कुछ बताइए कि इसमें क्या खास बातें हैं और क्या क्या चीजें ये प्रोवाइड कर रही है कि हमें, और ये लोगों को क्यों इतना यूज करने में मजबूर करे कि हाँ ये लोगों को यूज करे, मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें। धन्यवाद सेजल ऐप के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इस ऐप का नाम है साइबर स्कूल मैनेजर। ये स्कूल की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए ऐप है। ये इस ऐप को हमारे तकरीबन 150 स्कूल इस समय यूज कर रहे हैं। इस ऐप को यूज करने वाले अगर बच्चों की संख्या बताऊं तो वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर है, और टीचर्स की मैं आपको संख्या बताऊं तो 10,000 के आसपास इसको अध्यापक और स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग यूज कर रहे हैं। ये ऐप अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई, अब इसको ऐप को हमने अपग्रेड किया है COVID-19 की वजह से, जो सर्कमस्टांसेस हुए उस समय पे एजुकेशन के स्तर को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसमें एक योगदान देने की कोशिश करी है। ऐप के अंदर जब स्कूल वर्किंग में होते हैं तब ऐप के थ्रू टीचर्स बच्चों का होमवर्क उसमें डालते हैं, बच्चों की अटेंडेंस डलती है, उनको कोई नोटिस भेजना है वो दिखता है, सर्कुलर भेजना है वो दिखते हैं। इस तरह से रोज रोजमर्रा की बच्चे से रिलेटेड गतिविधियां जो स्कूल बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे तक पहुंचाना चाहता है, वो सारा का सारा उस ऐप के थ्रू जाता है। जैसे COVID-19 शुरू हुआ, ये एक तरफा हो गया सारा का सारा सिस्टम, टीचर स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया, और बच्चों को स्कूल पे नहीं जा पाना एक बहुत बड़ी दुविधा थी। तो हमने पहले होमवर्क को वन साइडेड किया था कि टीचर ने होमवर्क भेजा, बच्चा होमवर्क कॉपी में लिख के अगले दिन आके सबमिट करता था। अब हमने इसको दो तरफा कर दिया कि टीचर अब असाइनमेंट दे पा रही है बच्चों को, बच्चे घर में असाइनमेंट करते हैं कॉपी में, उसका फोटो खींचते हैं, PDF बनाते हैं और वो अपलोड हो जाता है ऐप में। टीचर उसको चेक करती है, मार्किंग बताती है, बच्चे के पास वापस रिप्लाई चला जाता है और बच्चा उसको देख पाता है, पेरेंट्स भी देख पाते हैं कि क्या हमें और निरंतरता इसमें करनी है। हमने इसके अंदर ऑडियो विजुअल ऐड किए, अब बच्चों को ऑडियो टीचर भेज पा रहे हैं, वीडियो टीचर भेज पा रहे हैं, तो बच्चे ऑडियो वीडियो के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमने स्कूलों के अंदर योगदान दिया कि स्कूल अब ऑनलाइन एजुकेशन कर पा रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन कर पा रहे हैं। तो जैसे अभी मिस्टर पुनी, जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है और ये सारी चीजें जो अभी COVID-19 की वजह से हम सब फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब ये चीजें सही हो जाएंगी
तो क्या इन जो ये एप्स का यूज हो रहा है ये कम होने लगेगा, या फिर जो अभी ई कॉमर्स का जो यूज है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये ऐसे ही चलेगा या आगे चल के इसी में हमारी जो हमारा कंट्री है काम करती रहेगी, या इसका यूज फिर कम हो जाएगा आगे चल के? तो इस पे आपका क्या कहना है सेजल? अब ये समय जो है इसने ये सोच को ऑलमोस्ट बदल दिया है कि क्या हम पुराने नॉर्मल पे जा पाएंगे। सो नॉर्मल विल बी न्यू नाउ, नॉर्मल अब नया होगा, नॉर्मल की जो परिभाषा है वो बदल जाएगी। हम भी ये भी समझ के चलते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग अब आएगा ही आएगा, कोविड बंद होता है, अब स्कूल मिक्स स्कूलिंग के ऊपर जाएंगे। तो स्कूल इसको ऑनलाइन एजुकेशन को छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है वो चार दिन स्कूल चलाएं, पांचवें दिन प्योरली ऑनलाइन एजुकेशन कर दें। मैं ऐसे ही उम्मीद कर रहा हूँ कि स्कूलों के अंदर ये चेंज देखने को मिलेगा। जब टीचर स्कूल में आना शुरू करेंगे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, जब टीचर स्कूल में आना शुरू करेंगे स्कूलों में वो अध्ययन तो उसी तरीके से कराएंगे जैसे पहले कराते थे, पर फिर भी ऑनलाइन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एक कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से पहुंचाने में फायदेमंद हो रहा है, और उन लोगों को भी फायदा हो रहा है जो बच्चे किसी दिन स्कूल नहीं आते हैं। तो आज की डेट में हम क्या करते हैं कि लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम हमारा अच्छे तरीके से स्कूलों ने अडॉप्ट हो ही गया, होना ही करना ही पड़ेगा, ये पता नहीं कोविड कब तक चलेगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर स्कूल कम से कम अपने रोज के लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। अगर वो ऑनलाइन नहीं स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं तो रिकॉर्ड तो करेंगे, रिकॉर्ड करके अपने ऐप के ऊपर उसको डालेंगे, ताकि जो बच्चे उस दिन क्लास में नहीं आ पाए उस रिकॉर्डिंग को देख सकें। तो मिस्टर पुनीत, जैसे ये तो रही स्कूलों की बात रही कि जो भी टीचर्स और बच्चों का है, अगर हम इसको बिजनेस के क्षेत्र में देखें कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम बिजनेस के क्षेत्र में चला, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि बिजनेस के क्षेत्र को ये कहां तक लेकर जाएगा? ये अच्छा सवाल है सेजल। अगर हम बात करें, आज आप अपने घर से इंटरव्यू ले रहे हो, मैं अपने घर से इंटरव्यू दे रहा हूं, तो पहला तो हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि हमें अब फिजिकली एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। जी जी, राइट। तो ये इंटरव्यू आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे, ये पब्लिकेशन ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, आईटी इंडस्ट्री की, तो 2nd of March आप ये देखिए कि लॉकडाउन 21 या 22 तारीख को हुआ था। बिल्कुल। 2nd of March से मैंने अपने ऑफिस में वर्कफोर्स 50% कर दी थी। हम 2nd of March से बच्चों को वर्क फ्रॉम होम करवा रहे थे। उससे पहले भी आईटी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर देते हैं ऑन सम कंडीशंस। तो हमारा ऐसा नहीं, हमने पहली बार जिंदगी में वर्क फ्रॉम होम किया, हम थोड़े थोड़े रिसोर्सेज को पहले से भी करते आ रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में चलता है, आईटी इंडस्ट्री में अच्छे से चलेगा। अब एक फर्क आपको देखने को मिलेगा कि जो आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़े ऑफिसेज की बात होती थी, हमको वर्किंग स्पेसेस की मार्केट आई है पिछले 3 सालों में, उस मार्केट के ऊपर फर्क पड़ेगा। और लोग बहुत ज्यादा ऑफिस बड़ा बनाने की नहीं सोचेंगे, अब सोचेंगे मिनिमम स्टाफ ऑफिस में रखा जाए और जितना मैक्सिमम स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर सकता है वर्क फ्रॉम होम कराया जाए। तो अभी IT में वर्क फ्रॉम होम चलेगा। जैसे आपने अभी मिनिमम स्टाफ की बात करी है, तो अभी इन 7 सालों में जो भी आपकी ये जर्नी रही है, तो इसमें मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा जो वर्कर्स हैं अभी आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं आपकी कंपनी में, तो जो भी इनका यू नो कैसे मेंटेन करते हैं आप अपने एचआर की क्वालिटीज को या एम्प्लॉय के वेलफेयर को अपने ऑफिस में कैसे मेंटेन करा जाता है कि हाँ वो आपके साथ काम करें, क्योंकि इनके लिए डिफिकल्ट होता है कभी साथ में यू नो एक साथ काम करना, तो उसके बारे में बताएं कि इन सारी चीजों को आप कैसे मेंटेन करते हैं ऑफिस में? अच्छा सवाल है सजल, ये सवाल का मैं आंसर आपको देना चाहूंगा। हम अपने ऑफिस में सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि जो ऑफिस में मेरा किरदार है वैसे ही बाकी लोगों का किरदार है। मैं भी ऑफिस में एक कंट्रीब्यूटर हूँ, वैसे ही बाकी लोग कंट्रीब्यूटर हैं। मैं एक सर्विस इंडस्ट्री चला रहा हूँ, सर्विस इंडस्ट्री में सारों के योगदान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, हमने साइबर स्कूल मैनेजर प्रोडक्ट की बात करी, अकेले मैंने वो डेवलप नहीं किया, उसके लिए 15 लोगों की टीम है जो उसके ऊपर काम कर रही है। उनकी निरंतर अभ्यास और निरंतर योगदान से ही वो प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है और लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो जैसे मेरे को प्रिविलेजेस हैं ऑफिस में, मेरी फैमिली है, वैसे हम मानते हैं सारे रिसोर्सेज की फैमिली, तो हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि रिसोर्स अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहे। जब तक वो घर से संतुष्ट है, घर से उसको कोई समस्या नहीं है, तो ऑफिस में आके काम करने का भी उसका मन करेगा। तो हम सबसे पहले चाहते हैं बंदा अंदर से खुश हो, जिस दिन उसको छुट्टी की रिक्वायरमेंट, हम छुट्टी देते हैं। कई ऑफिस में होता है जब बंदा छुट्टी मांगता तो ऑफिस वाले छुट्टियां नहीं देते, हम छुट्टी के लिए कभी मना नहीं करते। और हमारी इकलौती ऐसी कंपनी होगी जिसमें हम ये मान के नहीं चलते कि रिसोर्स की छुट्टियों के पैसे काटने चाहिए, हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्स जितने ज्यादा दिन ऑफिस आएगा उसी के लिए हमने रिसोर्स को रखा है, तो हम कभी रिसोर्स के पैसे नहीं काटते अगर वो छुट्टी भी कर लेता है। तो वो उसको मोटिवेट करता है कि मेरे पैसे नहीं कटते तो आई शैल बी गोइंग टू ऑफिस ऑल द टाइम।
और उसके बाद हम वेलफेयर के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज हैं, फिर उनको हम डिफरेंट जगह पे कभी मूवीज देखने लेके जा रहे हैं, कभी उनके डिफरेंट सेशन करवा रहे हैं जिससे उनकी लर्निंग इम्प्रोवाइज होती है, फिर ऑफिस के जब इवेंट्स करते हैं तो एम्प्लॉइज की फैमिलीज को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। हम ये मानते हैं कि जहाँ पे फैमिली साथ में वहाँ पे मोटिवेशन जाता है। बिल्कुल मिस्टर पुनीत, जैसे अभी आपने यहाँ पे फैमिली की बात कही, फैमिली के साथ की बात कही है, सपोर्ट की बात की है, तो मेरा भी ये सवाल आपसे है कि जब आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया था, यू नो एक बिजनेस स्टैब्लिश करने के बहुत बड़ा डिसीजन होता है इसमें, और इसमें काफी ज्यादा रिस्क भी होता है, तो ये डिसीजन लेने में आपकी फैमिली ने कभी आपसे नहीं कहा कि नहीं इसमें बहुत रिस्क है, ये काम करना एकदम से ईजी नहीं होगा, और या फिर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया और किन किन लोगों ने आपका साथ दिया, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सजल, मैं शुरू से ही अपने डिसीजन खुद लेता रहा हूँ और मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। ये मेरा चाहे इंजीनियरिंग करने का डिसीजन हो, व्हेन आई टुक अ डिसीजन फैमिली सपोर्टेड मी कि आप ठीक है, यू गो अहेड विद इट। सो शुरू से उनको विश्वास रहा है कि अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ वो मैंने उसको सोच समझ के लिया होगा। तो अगर बिजनेस की बात करूँ तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि ठीक है, यू आर टेकिंग गुड डिसीजन, गो अहेड, दिस इज फॉर यू, हैव बीन मेंट फॉर, नौकरी होगी जितनी करनी थी, शुड बी गोइंग अहेड। Then I spoke to my brother, मैंने अपने भाई से भी बात करी, भाई he told okay you know what you want to do so you shall be going ahead. These were the two people from the family side. इसके अलावा मैं कुछ आप इंटरव्यू हो रहा तो मैं कई लोगों को इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मेरे बिजनेसमैन बनने में उसमें है, एक शिवालिक स्कूल के ओनर है डॉक्टर डी एस बेदी जी, ये चंडीगढ़ में स्कूल है, उन्होंने मेरे को अपना ऑफिस दिया था पहला काम करने के लिए कि पुनीत तेरे पास ऑफिस नहीं है, यू सिट इन माई ऑफिस एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम हियर। Then we have Pankaj Lakhanwal from Him Academy, Hamirpur से, उन्होंने मेरे को boost किया, उन्होंने अपनी story बताई कि how he started a business and how he can see कि मेरे अंदर caliber है तो मेरे को करना चाहिए। और तीसरे और सबसे ज्यादा important जो आज भी हमें बहुत ज्यादा जिनका हम काम कर रहे हैं हमारे लिए सबसे बड़े client हैं, वो है बुलजई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत पाइनियर है, जिसका हम सारा काम IT का हम ही करते हैं। तो उसके एक निदेशक है मिस्टर हृदेश मदान, उन्होंने राइट फ्रॉम द डे वन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आज भी वो सपोर्ट करते हैं, इज लाइक अ फैमिली ओनली। और आज की डेट में भी अगर हम अपने ऑफिस में बात करें तो बिजनेस का सबसे बड़ा रेशो जो है उन्हीं की तरफ से आता है, तो वी आर हैंडलिंग देयर ओल बैक एंड, तो बुलजे के अंदर जितना भी काम है वो हम ही करते हैं। तो इन पांच लोगों को मैं काफी हमेशा बोलता हूँ कि इन लोगों की वजह से मैं बिजनेस शुरू कर पाया। आइडिया मेरा था, सपोर्ट किया। जो ये आइडिया था आपका ये बिजनेस का, ये पहले से था, यू नो जब आपने आप एजुकेशन करी, जब आप स्कूलिंग में थे या फिर जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम पे थे, तो जो ये आइडिया था कि खुद का बिजनेस डेवलप करना है, ये कब आपके माइंड में आई, पहले से ही आपके माइंड में था या फिर बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए या ऐसे कुछ फेज आया लाइफ में जब आपने ये डिसाइड किया? अच्छा अच्छा सवाल है। इंजीनियरिंग के टाइम मेरे दिमाग में था मैं कभी बिजनेस तो करूंगा, पर ये दिमाग में नहीं था मैं एकदम बिजनेस करूंगा। तो मैं पर कुछ ऐसी स्थितियां बनी, मैं नौकरी कर रहा था, मेरा एजुकेशन सिस्टम देखा, एजुकेशन में डिजिटाइजेशन देखी, मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल में आज भी लोगों को ये पता नहीं है कि करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई अपने भाई की तरफ देख रहा है, कोई घर में पढ़ा लिखा अच्छे से चाचा मामा उसकी तरफ देख रहा है, पीपल आर नॉट सेल्फ रिलायंट, माँ बाप को कई बार पता नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा नहीं, आई नीड टू वर्क फॉर एजुकेशन सेक्टर, आई नीड टू वर्क फॉर माई हिमाचल, इसीलिए मैंने सबसे पहले काम जो है प्रोजेक्ट भी हिमाचल के ही किए हैं, सबसे पहले हिमाचल के स्कूलों के लिए काम करना शुरू किया। तो ये एक आइडिया तो था पहले से, पर इतनी जल्दी शुरू करूंगा ये मेरे को आइडिया नहीं था। तो इट समहाउ इट हैपेंड कि मेरे को करना है तो मैंने किया, और एजुकेशन सेक्टर में मेरा खास लगाव होने की वजह से, पर हिमाचल में एजुकेशन तो है पर एजुकेशन के बाद क्या है वो नहीं पता, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से फैलाने के चक्कर में मैंने इसको स्टार्ट किया।